हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। जब भी मैं गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। एलोवेरा का पौधा गुणों की खान है, इसके अनेक फायदे हैं। तो एलोवेरा का पौधा सभी के घर में लगभग होगा, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं इसके फूल के बारे में। और इसमें फूल भी आता है, क्योंकि इसका जो फूल है वो काफी साल बाद आता है। जैसे 3-4 साल का हेल्दी प्लांट रहता है तभी इसमें फूल आता है। जैसे अभी मैंने कहा कि एलोवेरा जो है गुणों की खान है, तो इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं। ए होता है, सी ई होता है, और फॉलिक एसिड होता है, और कोलीन होता है, B1, B2, B3, B6 और B12 भी इसमें पाया जाता है। और करीब इसमें 20 प्रकार के जो है मिनरल्स होते हैं, जिसमें कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, क्रोमियम होता है, सेलेनियम, सोडियम, आयरन, पोटाशियम, कॉपर और मैग्नीज शामिल हैं। ये फूल एलोवेरा का जो है वो 3-4 साल बाद आता है। जब प्लांट बिल्कुल स्वस्थ होता है, मैच्योर होता है, तभी ये फूल आते हैं। तो मान्यता है इस फूल के बारे में कि जो ये फूल, जहां भी ये फूल मिल जाता है, इसको लाल कपड़े में बांध के तिजोरी में रख दिए जाए तो आपके घर में धन सुख समृद्धि वैभव की कभी कमी नहीं होती है, धन की वर्षा होती है। तो जिस घर में भी ये फूल खिलता है वहाँ धन की वर्षा हो सकती है, ये मान्यता है। ज्योतिषी में ये एलोवेरा के पौधे और फूल का जो बहुत बड़ा महत्व माना गया है, सोने चांदी से भी बहुत ही ज्यादा कीमती होता है, क्योंकि ये फूल है 3-4 साल बाद आता है। और जितनी भी प्रॉपर्टीज, जितने भी बेनिफिट्स इसके एलोवेरा के प्लांट्स में होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा इसके फूल में ये बेनिफिट्स होते हैं। एलोवेरा के पौधे को वास्तु के अनुसार जो लगाने की शुभ दिशा मानी गई है वो उत्तर पूर्व दिशा है, उत्तर पूर्व कोना है, वहाँ पे इसको लगाना चाहिए। इस पौधे को भाग्यशाली माना गया है, क्योंकि प्रेम, प्रगति, धन, प्रमोशन, प्रतिष्ठा बढ़ती है। एलोवेरा का पौधा जो है वो हवा को शुद्ध रखने में मदद करता है। ऐसा माना जाता है कि बुरी ऊर्जा निकल सकती है इस पौधे के लगाने से। एलोवेरा का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। एलोवेरा का पौधा बालों और त्वचा के लिए वरदान तो है ही है, साथ में कई बीमारियों को ठीक करने में भी मदद करता है। एलोवेरा के पौधे के अनेक फायदे हैं, जैसे खून बहने वाला जो घाव होता है उसको ठीक करने में मदद करता है, फंगल होता है, छाले कीड़े के काटने को कम करने में मदद करता है, जैसे जलन होती है, घाव होते हैं, और मधुमेह एंटी फंगल होते हैं, उसमें आप इसको यूज करो, इसका इस्तेमाल करो तो वो भी ठीक हो जाते हैं। तो एलोवेरा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पाचन तंत्र में सहायक है ये, और सूजन को कम करने में भी मददगार है, बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। त्वचा के कई रोग हैं वो इसके लिए वरदान है, बालों के लिए वरदान है, त्वचा के संबंधित जितने भी रोग हैं एलोवेरा के उसको लगाने से ठीक हो जाते हैं। तो बालों की समस्या को खत्म करता है किसी भी तरह से। बाल अगर बढ़ नहीं रहे हैं, बालों में कोई प्रॉब्लम है, तो बाल झड़ रहे हैं, तो इसका यूज करने से बहुत ही फायदा मिलता है। तो गार्डनिंग में भी और खेती बाड़ी में भी पौधों के लिए वरदान है। तो मोटापा कम करने में भी बहुत ही मददगार है, पेट में कब्ज होती है उसको भी ये ठीक करता है, उसके लिए भी फायदेमंद है, पेट साफ करने में भी ये बहुत ही फायदेमंद है। तो अनेक गुण और अनेक फायदे होने के कारण एलोवेरा का जो पौधा है वो सोने से भी ज्यादा कीमती माना गया है। एलोवेरा का पौधा आपके घर में है तो आप घर में ही होममेड इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड अपने प्लांट्स के लिए बना सकते हो। उसका स्प्रे आप अपने प्लांट में कीजिए तो बहुत ही बेनिफिट होता है। रूटिंग हार्मोन का ये काम करता, बहुत अच्छे से रूटिंग आती है इसकी जेल को लगाने से कटिंग में। और होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर आप अपने प्लांट में यूज करेंगे तो इसके यूज करने से आपके प्लांट में जो ग्रोथ होगी वो बहुत ही तेजी से होगी। तो ऐसे ही आपके प्लांट में अगर एलोवेरा का घर में है तो आपके काफी हद तक पैसे सेव हो जाते हैं। एक ही प्लांट में इतने सारे बेनिफिट्स हैं। एलोवेरा के पौधे के एक ही प्लांट से कई प्लांट हम कैसे बना सकते, बहुत आसानी से, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपका एलोवेरा का पौधा है, ऐसे आपने लगा दिया है, उसके साइड में आप देखेंगे कि छोटे छोटे बेबी प्लांट निकल गए हैं, उनको आप सेपरेट कर लीजिए, उनके कई प्लांट बन सकते हैं। अगर आप कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं तो कटिंग से आप ग्रो कर सकते हैं। एक लीफ को आप कट कर दीजिए, उसके बीच बीच में आप
तीन चार चार इंच का गैप करके ऐसे कटिंग काट दीजिए अब एक ही लीफ को, और उसके छोटे छोटे लीफ के छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए और मिट्टी में डाल दीजिए, और उसके छोटे छोटे बेबी प्लांट निकल आएंगे और वॉटरिंग करके आप शेडी एरिया में रख दें और आपके कई प्लांट बन जाएंगे। तो बहुत ही आसानी से इसके एक प्लांट के कई प्लांट भी बन जाते हैं। दूसरे प्लांट से इसको बहुत ही कम फर्टिलाइजर की जरूरत होती है। एक बार जब आप रिपोटिंग करते हैं, आप 6 महीने में एक बार काउडंग कंपोस्ट या बर्मिंग कंपोस्ट या किचन कंपोस्ट, अब दोबारा आपको जरूरत नहीं है। पानी भी बहुत कम मांगता है, बहुत ही आसानी से ये ग्रो होता है। इसमें पानी कम से कम देंगे और ज्यादा से ज्यादा धूप में रखेंगे, क्योंकि ये रेगिस्तानी पौधा है जहाँ बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है वहाँ ये पौधा पाया जाता है। तो ये पौधा सभी के घर में होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके बहुत ही ज्यादा फायदे हैं, बेनिफिट्स है हमारे स्किन हेयर के लिए और बीमारियों के लिए। तो कई तरह की बीमारियों को ये निजात पाने में मदद करता है। तो ये पौधा सभी के घर में होना चाहिए। अगर आपके घर में ये पौधा नहीं है तो जरूर लगाइए, इसके जितने भी बेनिफिट्स है वो ले लीजिए और ये बहुत ही बेनिफिट्स देता है ये प्लांट। तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, बाय एवरीवन।